हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस को लेकर के। दोस्तों बता दें कि बीएड एंट्रेंस के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये प्रश्न पत्र है, 2019 में कैसा पेपर आया था, कैसा पूछा गया था, हिंदी का है ये, ठीक है। इससे पहले मैं जीके के लिए अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीके के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जीके का 2019 का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, और दोस्तों बताना चाहेंगे कि 50 प्रश्न आते हैं जो कि हिंदी में आते हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र में आते हैं। इंग्लिश भी आती है, अगर हिंदी करना चाहें 50 प्रश्न हिंदी के करेंगे, अगर इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश करेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं बीएड को लेकर के जानकारी कुछ देने वाले हैं कि आपके लिए 10 फरवरी से मैंने बोला था कि क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, स्टार्ट कर दी गई हैं, प्रॉपर क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। 11 बजे से आपको हिंदी का लाइव प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो उसको ज्वाइन करें। और दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर है हिंदी का है, 50 क्वेश्चन है। और जुड़ने के लिए नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ये पूछा गया था हिंदी में, 51 और 52 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द चुनना है, तो अभिसरण का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिसरण का क्या होता है? अपसरण होता है। और यहाँ पर 52 नंबर पूछा गया है सुषुप्त, सुषुप्त का विलोम यहाँ पर भी बताना है, यानी विपरीत आर्थक शब्द बताना है, तो इसके सुषुप्त के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागृत, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं 54 और 53, यानी 53-54 में पूछा ये गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चुनाव करें। तो यहाँ पर 53 नंबर में देखेंगे, आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सा वाला वाक्य जो है आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्दों से बना हुआ शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर 54 नंबर में देखेंगे, 54 में कौन सा वाला करेक्ट है, तो दोस्तों इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 54 नंबर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, अगला क्वेश्चन 55 से 56 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो 55 में आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिगंबर। अगला प्रश्न है 56 नंबर है, युद्ध की इच्छा करने वाला, युद्ध की अच्छा इच्छा करने वाला दोस्तों उसको कहा जाता है एक शब्द में युयुत्सु, ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग। यहाँ पर 56 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे, 57 नंबर है, कहा गया है इसमें आमलक का तद्भव शब्द है। दोस्तों आमलक का तद्भव शब्द क्या है? आमलक का यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा आंवला, ठीक है भाई, आमलक का तद्भव शब्द। दोस्तों आमलक क्या है भाई? आमलक एक तत्सम शब्द है जिसका हमें तद्भव ज्ञात करना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आमला। अगला प्रश्न है 58 नंबर है, पूछा गया है तिनका का तत्सम बताएं, तो तिनका का तत्सम आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, तृण। अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने वाले, समझ रहे हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण खुद एक किसी की विशेषता बताता है, मतलब विशेष की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रविशेषण, ठीक है भाई, प्रविशेषण। 60 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में पूछा गया है परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो 60 नंबर में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, और पूछा जा रहा है मंदिर का पर्यायवाची क्या है? दोस्तों मंदिर का पर्यायवाची क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है देवग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, तृष्णा का पर्यायवाची, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा भाई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिप्सा, जो कि तृष्णा का पर्यायवाची है, ठीक है भाई। 63 पे आएंगे, राजपुत्र में कौन सा समास है? दोस्तों राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, तत्पुरुष, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 64 नंबर में, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर सच्चिदानंद का शब्द का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सत चित्त
धन आनंद। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, और यहाँ पर कहा जा रहा है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभत्स। अगला प्रश्न है 66 नंबर है, और कहा जा रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान रखें क्योंकि हिंदी में रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं हर साल, तो यहाँ पर हो जाएगा कन्नड़। ठीक है भाई, कन्नड़ यहाँ पर 67 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पे निर्देश है प्रश्न संख्या 68 से 69। दोस्तों निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का विकल्प का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध और सही होगा, तो 68 नंबर में यहाँ पर दिया गया है राइट शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी यानी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भौगोलिक। ठीक है, अब 69 में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दिया गया प्रफुल्लित। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 70, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो 70 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, 70 नंबर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं माना सॉरी नहीं बनाता, बल्कि उसमें भी आत्मविश्वास जागता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक सेंटेंस ही दिया गया है जो कि पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें भी आत्मविश्वास जगाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। 71 में दिया गया है बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, तो 71 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना। अगला प्रश्न है 72 नंबर है, और यहाँ पर दिया गया है मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है, गढ़ जीत जाने का अर्थ, तो 72 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यानी कठिन कार्य पूरा होना। अगला प्रश्न है 73 नंबर, 73 में पूछा गया ला या और फिर ला है ना और मा कौन से व्यंजन हैं, तो दोस्तों ये कौन से व्यंजन होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, ये व्यंजन होते हैं अनुनाशिक व्यंजन। अगला प्रश्न 74 नंबर है, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ठीक है भाई, 74 का ऑप्शन नंबर सी, वह आया और मैं चला गया, यहां पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर 75 में ऑप्शन नंबर सी जो है आज कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध शब्द या अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है, तो इसमें आपका हो जाएगा अशुद्ध वाक्य का पहचान करेंगे तो मेरे ऊपर कृपा करें, जबकि क्या होना चाहिए, मेरे ऊपर कृपा करें तो मुझ पर कृपा करें। ठीक है, 77 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रम करता है या जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। 78 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, तो यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द 78 में ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सुरेश है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं 79 है, और इसमें पूछा गया है कि गर्व शून्य शब्द में समास है, दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, करण तत्पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सब्ज बाग लिखा है, दिखाना का अर्थ क्या है, सब्ज बाग दिखाना यानी इसका मतलब होना चाहिए आपका लालच देकर बहकाना। 81 नंबर में आएंगे, 81 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया गया है त्रिपुर धन अर्य, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 82 पे आएंगे,
तो पंचानन दिया है, पंचानन में कौन सा समास है, तो 82 में आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीय समास। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर है, 83 नंबर में पूछा गया है तीन तेरह करना, तीन तेरह करने का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका अर्थ होगा पृथकता की बात करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पृथकता की बात करना। अगला प्रश्न है हसुए के ब्याह में क्या दिया गया है, सुरपे का गति सॉरी सुरपे का गीत, फिर से देख लीजिए, हसुए की ब्याह में सुरपे का गीत, कहावत एक ये है और थोड़ा सा बोल्ड हो गया इसलिए प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसका जो अर्थ हो जाएगा 80 नंबर सॉरी सी नंबर होना चाहिए, असंगत बातें करना, ठीक है, असंगत बातें करना। अब 85 का देवर्पण दिया है, देवर्पण का यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, देवीधन अर्पण, क्योंकि देव्य देवर्पण है, तो यहाँ पर देवीधन अर्पण इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पुस्तकी शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय क्या होते हैं जो किसी शब्द के आखिरी में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, तो यहाँ पर 86 में आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सॉरी सी ई, ठीक है, बड़ी ई लगी है ना काम में, तो यहाँ पर बड़ी ई और यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 87 में आएंगे स्वतंत्रता सबको प्यारी होनी चाहिए या होती है, ये वाक्य दिया गया स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 88 नंबर में, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो दोस्तों ये कैसा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न 89 नंबर है, यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते क्या, उसे कहते हैं विशेष। 90 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि मूल अकर्मिक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं या क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, भाई ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 91 नंबर है, यहाँ पर देखिएगा प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 92 नंबर है, 92 में नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो कि रूप सी है और अली ये अनेकार्थ नहीं है। ता था दाधा शा आदि का उच्चारण स्थल क्या है, उच्चारण स्थान क्या है आदि का, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इसका उच्चारण कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पर 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि दंत है, ठीक है, जिसका उच्चारण स्थल दंत है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो यहाँ पर 94 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नदी, क्योंकि पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। सप्तऋषि दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, पूछ रहा है इनमें बनी संधि है, संधि कौन सी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो संधि है गुण संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिलाधिकारी को लिखा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 नंबर ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निबंध, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, दोस्तों अष्टछाप का कवि कौन सा इनमें से नहीं है, तो ये हो जाएंगे रोदास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है, तो 99 में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में अपादान कारक है, ठीक है भाई, अलग होने पर अपादान कारक आता है। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा, उम्मीद है आप लोग जरूर लाइक और शेयर करेंगे, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, पूरी तरह से मेहनत करेंगे और पूरी तरह से हम आपको सिलेक्शन भी दिलवाने वाले हैं, तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक और शेयर किया करें। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है पूछा गया है, अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि कौन सा
अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है या शब्द कौन सा है अशुद्ध, तो यहाँ पे 100 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए आंगन, ये गलत है, ठीक है, आंगन होता है ना कि आंगन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।